आज मैं बहुत टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही कम समय में बना रही हूँ एक रेसिपी, जिसमें कि मैं 2 चम्मच के लगभग तेल डाली हूँ, 2 मिर्ची डाली हूँ। मिर्ची आप कम बेसी कर सकते हैं। पहले तो मैं अच्छे से कढ़ाई गर्म कर चुकी थी, उसके बाद इस सारा चीज़ डालने के बाद मैं सोची चलिए आज जिस तरीके से बनाते हैं, ये आप सोचें कि बोती है कि बीन है, पर नहीं, ये बीन है, फ्रेश बीन। इस बीन को इस तरीके से बनाइए। मैं तो सोचती थी कि इतना आसान नहीं है बीन का सब्जी बनाना, मैं सोचती थी कि बहुत इसमें मेहनत लगती है, पर ऐसा बात नहीं है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं सोची कि बिना मसाला के तो बनेंगे नहीं, पर आज हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैं सोची कि चलिए जिस तरीके से बनाते हैं। इसे बीन को डालने के बाद बीच बीच में ढक ढक के मैं इसे पकाते गई धीमी आँच पर। ये 10 से 15 मिनट में हमारी भजिया बन के तैयार हो गई। ये तो मैं सोचा कि चलिए आप लोग के पास भी शेयर करते हूँ, जो बच्चे लॉज में पढ़ते हैं उन लोग के लिए तो एकदम बहुत ही परफेक्ट है। इस तरीके से बना के रोटी के साथ खाए, चपाती के साथ खाए, वो हमारा भुंजिया बन के तैयार हुआ करीब 10 या 15 मिनट।